दोस्तों साथियों, आज आपके सामने आने की ज़रूरत यूँ महसूस हुई है कि आज पूरा देश नहीं, पूरा जग, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है, हमारा फ़र्ज होता है कि सरकार के साथ साथ जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और जनता को भी इसमें आगे आना चाहिए। इसलिए आज आने की वजह ये है कि मैं तमाम देशवासियों से, तमाम लोगों से ये विनती करता हूँ कि दरख्वास्त करता हूँ कि जो कोरोना वायरस का वबा फैली है, इसके लिए तमाम जातियों से उठ के, तमाम धर्मों से उठ के, तमाम मामलात से उठकर हमें देश बचाना है। और देश बचाने के लिए सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना है, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। अगर हम जनता अवाम इसमें सहभागी नहीं होगे और जनता इसमें मदद नहीं करेगी, अपना कर्तव्य नहीं समझेगी, ये वायरस बहुत खतरनाक है। इस वायरस की मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। ये वायरस है वाईफाई की तरह, जिस तरह ब्लूटूथ होता है, वाईफाई की तरह मोबाइल है, जैसी वाईफाई की तरह ये वायरस है। जैसे इसको ऑन कर देंगे, ये वायरस वाईफाई की तरह फैलने लगेगा और इससे देश को बहुत हानि हो सकती है, देश को नुकसान हो सकता है। आप तो बताओ कि इटली जैसे शहर में चाइना से आगे मौत हो गई है, चाइना अब सेकंड नंबर पे हो गया है और इटली फर्स्ट नंबर पे आ गया। इसलिए मेरी देशवासियों से अपील है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि संडे के दिन, इतवार के रोज जनता कर्फ्यू लगाया जाए, इसलिए सबसे अनुरोध है, हर अवाम से, हर लोगों से अनुरोध है कि वो अपने घर से बाहर ना निकले। हर लोगों से विनती की जाती है कि अपने घर में रह के इसका कोरोना का मुकाबला करें और उसका संयम बरतें। इसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश में जो डॉक्टर है, जो पुलिस है, फौजी है, सफाई का कामगार है, इन लोग कोरोना के लिए जो काम कर रहे हैं, इनकी भी तारीफ़ करना चाहिए। इनकी हौसला अफजाई के लिए हमें रविवार के रोज़, संडे के दिन शाम में 5 बजे इनकी हौसला अफजाई के लिए अपने खिड़कियों में, अपने बालकनियों में निकलकर इनकी हिम्मत, इनकी धारस बांधना चाहिए। और मेरी तमाम देशवासियों से विनती है और तमाम राजनेताओं से, तमाम धर्मों के मौलानाओं से और पंडितों से, पुजारियों से, फादर से, पादरियों से विनती है कि आप लोग भी इस मामले में आगे आए और लोगों में संदेश भेजिए कि ये वायरस से बचने के लिए सरकार पर निर्भर ना रहे, खुद भी इस मामले में मदद करें, लोगों को जागरूक करें। ये हम बड़ी आसानी से इसको समझ रहे हैं, लेकिन ये आसान चीज़ नहीं है। अगर ये फैल जाता है, ये फैल जाता है तो हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, ये देश में महामारी आ जाएगी और महामारी की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि तमाम देशवासी तमाम धर्म और जाति से उठकर इस कोरोना का मुकाबला करने के लिए सामने आए हैं, आइए और सामने आना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से विनती है, मेरे दोस्तों की आप लोगों से विनती है और आप लोग इस पर अमल करें।